वैश्विक स्तर पर इस वक्त खूब उथल पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रिटेन में नई नई सत्ता अभी से ही डोलने लगी है। इसी बीच तेल को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है और अब अमेरिका और सऊदी अरब के भी रिश्ते खराब होने के कगार पर आ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों को नुकसान होना तय है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त सऊदी अरब की वजह से काफी नाराज दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बाइडेन ने सऊदी अरब को खुली धमकी दे डाली है, क्योंकि उसने तेल के उत्पादन में जिस कटौती का ऐलान किया उसके गंभीर नतीजे आगे भुगतने होंगे। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते आने वाले दिनों में काफी बिगड़ने वाले हैं और इनके सुधरने की कोई भी गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इन सब के पीछे की वजह सऊदी अरब का वो बयान है जिसमें उसने ओपेक प्लस देशों की मीटिंग के बाद कहा था कि तेल के उत्पादन में 2% की वो कटौती करेगा, और सऊदी का यह ऐलान अमेरिका के खिलाफ है। जो बाइडेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से बाइडेन का पारा हाई है। यही वजह है कि अगले महीने होने वाले G20 सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मुलाकात भी नहीं करेंगे। लेकिन इससे बाइडेन की टेंशन खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब उनकी कुर्सी पर भी आंच आ सकती है। दरअसल सऊदी अरब के ऐलान के बाद से ही अमरीकी उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए ज्यादा कीमत अब देनी होगी। ऐसे में अगले महीने मध्यावधि चुनाव हैं और सऊदी का यह ऐलान बाइडेन के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, मतलब बाइडेन की कुर्सी मुश्किल में नजर आ रही है। वहीं इन सब विवादों के बीच सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि आपसी सहमत के बाद यह फैसला लिया गया और इस फैसले का मकसद ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है। वहीं सऊदी की बातों पर गौर करें तो सेंट्रल बैंकों की तरफ से ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में वैश्विक मंदी का डर है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब ने अपने फैसले का बचाव किस तरीके से किया। उनका कहना है कि उसके निर्णय के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, लेकिन बाइडेन की राजनीति के लिए ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है अभी तक जो नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी ने यह फैसला चुनाव से ठीक पहले लिया है। तो अब चुनाव ही तय करेंगे कि अमरीकी कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा, और यही चुनाव बाइडेन के कार्यकाल की रूपरेखा भी आगे तय करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या होता है और किस तरीके से सऊदी और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची रहती हैं।